हमारे सहयोगी अधिकारी श्री संजय कुमार जी आज इस एग्जीबिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों बच्चों, आज हमारे देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, जिनकी प्रेरणा से हमें आज़ादी मिली, हमें बहुत सारे नए नए संस्कार मिले, सत्य हिंसा और स्वच्छता जिसका एक नमूना आप सबने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल सवेरे 10 बजे से 11 बजे एक तारीख एक घंटा एक साथ श्रमदान स्वच्छता के लिए पूरे देश भर में लोगों ने, करोड़ों लोगों ने ये बापू जी को एक स्वच्छांजलि अर्पित की। तो आज उनका जन्मदिन है, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे देश के एक और महान सपूत, जिनका जीवन ही अपने आप में प्रेरणा है, सर्वोच्च सादगी, सादा विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, देश को एक सर्वोच्च सम्मान तक ले जाने के लिए जब हमारे यहाँ पे आवश्यकता थी, हमारे किसानों को, हमारे जवानों को जय जवान जय किसान का नारा देकर के पाकिस्तान के विरुद्ध जो एक शॉर्ट पीरियड में, बहुत छोटे से पीरियड में जो लड़ाई हुई, उसमें किस बहादुरी के साथ उनके इतने सारे किस्से हमको सुनने को मिलते हैं, क्योंकि एक छोटे से इंसान, छोटी सी कद काठी वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनका भी जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर संजय कुमार जी ने इतनी बढ़िया प्रदर्शनी लगा रखी है और बताया कि 95% से ज़्यादा जिन चिड़िया के लिए, जिन जानवरों का, जिन प्रकृति के तमाम सारे रंग रूप का यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है, वो हमारे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तमाम सारे देशों से बड़ा है, क्षेत्रफल के मामले में, विविधता के मामले में, आबादी के भी मामले में और संभावनाओं के मामले में। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज है उत्तर प्रदेश में, और वो सारी की सारी वैरायटीज जो इसकी जो संभावनाएं थी पिछले 6 साल से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी अच्छे से उभर करके आ रही। आज उत्तर प्रदेश की ताकत न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी गूंज है। हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान दुनिया के तमाम सारे देशों में गए, तमाम सारी जगह आज उत्तर प्रदेश के लोगों का एक नया सम्मान उभर कर के आया। अभी हाल में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो किया गया ग्रेटर नोएडा में, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने, देश विदेश के लोगों ने भाग लिया और देखा कि हमारे प्रदेश की क्या ताकत है। और ऐसे में वाइल्ड लाइफ में इतना खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति की इतनी खूबसूरत, चाहे उसका रंग हो, रूप हो, दृश्य हो, म्यूजिक जैसे आप समझते हो, म्यूजिक हो, हर एक चीज़ यहाँ पे जिस खूबसूरती से संजय ने एक किसकी समा बांध दी है, हर कोई देख करके इससे आकर्षित होगा। स्वतः ही आपको इन जो हमारी प्रकृति ने बना रखा है, अलग अलग रूप में
उसके प्रति आकर्षण मन में जग जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि संजय के हाथों में एक ऐसा जादू है और नेचर के प्रति इसकी इतनी अच्छी आस्था है, इतना अच्छा तादात्म्य और संबंध है कि सही समय में सही जगह उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारी तस्वीरें आपने यहां पे देखी हैं जो बिल्कुल रेयर है। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है, बच्चा अभी जो है अंडे से निकल रहा है, दो छोटे चूजे जो अभी वहां पे अपने आप को कहते धूप जो है धूप सेवन कर रहे हैं। कैसे माँ बाप बच्चे को बचाने के लिए किसी जानवर से उसको कैसे दूर से समझ करके पहुंच जाते हैं। यानी प्रकृति में जो हमारे एक जो भावनाएं हैं, जो मानव प्रदत्त भावनाएं हैं, वो कैसे प्रकृति में वो अभिव्यक्त होती है, उन अभिव्यक्तियों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना बहुत आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको सही समय पे सही जगह उपस्थित होना पड़ेगा और ये एक संजोग मात्र नहीं बल्कि आपका एक इतना बड़ा कमिटमेंट है। जो कहते हैं संकल्प से सिद्धि, जब आपका अच्छा संकल्प होगा, जब आपका शुद्ध संकल्प होगा तो स्वतः सिद्ध होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके संकल्प ने ही इन चीज़ों को सिद्ध किया है, इसलिए आप कैमरे को लेकर के उस जगह पे पहुँच गए। आप देखिए किस किस आकार के बर्ड्स हैं, किस किस प्रकार के उसके जो बर्ड्स के जो है आपके जो चाहे डहने से लेकर के उसके आपकी चोंच से लेकर के उसके जो पूंछ से लेकर के अलग अलग उसको अंगों को देखिए, उसके गले से हर चीज, इतनी सारी वैरायटी है नेचर में, इतनी तरह की वैरायटी नेचर में, उसको कैप्चर करना, उसको बड़े नजदीक से कैमरे से कैप्चर करना जिसके उसका एक एक अंग, एक एक पाव, जैसे कि देखा कि एक मयूर नाच रहा है और मयूर को नाचते हुए उस कैनवास के ऊपर जिस प्रकार से है, जैसे लगता है कि किसी ने पेंटिंग की हो। ये हमारे कैमरे की कला है जो मैं समझता हूँ कि संजय को भगवान ने, ये भगवान प्रदत्त होता है, हर कोई जो नहीं कर सकता, एक तो कुछ हुनर हम सीखते हैं और दूसरा कुछ ईश्वर प्रदत्त होता है। वो जो आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त हुनर है और आप में जो आपने खुद इसको और होनप किया है और इसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आपको मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों को प्रकृति प्रेमी बना देंगे, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम खुद प्रकृति के अंग हैं। और ऐसे में प्रकृति को बचाने का भी, जो मैंने जब संजय से कहा कि आप स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बुलाएं, तो मेरा मकसद न केवल बच्चों को इनकी तस्वीरों से जोड़ने का था बल्कि मेरा मकसद है कि बच्चे जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो सोचेंगे कि कैसे जो आज ऐसी हमारे स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो रही है या समाप्त हो रही है, धरती से खत्म हो रही है, बहुत सारी वैरायटीज हमारी खत्म हो चुकी है, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से हम सबकी जिंदगी परिवर्तित हो रही है, हमारे जो है खान पान, हमारा रहन सहन, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है जलवायु परिवर्तन के साथ, हम खुद बदल रहे हैं जलवायु परिवर्तन के साथ, समय से बारिश नहीं होना, समय से गर्मी नहीं पड़ना, समय से ठंड नहीं पड़ना, जहां पे बर्फ पड़ती थी वहां पे सूखा पड़ जाना, वैसे इतनी सारे परिवर्तन जगह जगह हो रहे हैं भूमंडल पे, इन परिवर्तन को कैसे हम रोक सकते हैं। जब आप देखेंगे, जब किसी चीज को आप प्यार करेंगे, किसी चीज से आकर्षित होंगे, तो आप सोचेंगे कि उसको हम धरोहर के रूप में कैसे सुरक्षित भी रह सकते हैं, कैसे संरक्षित रह सकते हैं। और संरक्षित रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम लॉन्च किया, उसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ के नाम से। इसको जो है हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ उन्होंने
केवड़िया में, मुझे ख्याल है केवड़िया में इसको लॉन्च किया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम सभी, हर बच्चे, हर कोई अपने प्रकृति को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये इतने खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत जानवर, इतने खूबसूरत जीव, जो प्रकृति की इतनी खूबसूरत देन है, वो ऐसे ही बनी रहे और हम आने वाले पीढ़ियों को भी उसका लाभ दे सके। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, जैसे कि किसी ज़माने में इस धरती पर डायनासोर घुमा करते थे, आज हम उनको, उनका जो है तस्वीरें देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हम ऐसा विचार करते हैं कि उसका ऐसा हो रूप रंग हो रहा होगा। इस धरती पर ऐसे तमाम किस्म के जीव जंतु थे जो कि समाप्त हो चुके, उनके बारे में हम विचार करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और कारण केवल जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन में हर कोई का अपना योगदान है, उसे बनाए रखने के लिए भी, उसे बिगाड़ने के लिए। तो क्या हम इस प्रकृति के प्रति एक समर्पण की भावना से, प्रकृति को अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे, उसे सीख करके हम अपने जीवन में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अपने जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल बना सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या हम कम से कम कूड़ा क्रिएट कर सकते हैं? आप देखते हैं बहुत सारी चीजें लोग फालतू के कूड़े पैदा करते हैं। कूड़ा तो बनेगा बनेगा, लेकिन कूड़ा को कैसे आप कम कर सकते हैं? क्या आप जिन चीजों का सेवन करते हैं उसको संसाधनों का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, ताकि वो संसाधन आगे के लिए बढ़े रहे? क्या चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं? बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हैं। आपका पानी बह रहा है, पानी को बहने देने की जगह पानी को रोक सकते हैं। पानी बह रहा है, उसको हम अपने ही एक्विफर्स को संरक्षित कर सकते हैं, उसके एक्विफर को रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि पानी का लेवल नीचे न जाए। पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा तो उसको उठाने में कम मेहनत लगेगी, तो कम एनर्जी लगेगी। एक ऐसे साइक्लिक चक्रानुक्रम होता है, उस चक्रानुक्रम से हम अपने प्रकृति को संरक्षित रह सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें इस पर बात कर सकते हैं। मैं तो संजय से ये भी कहूँगा, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, और इसमें हमारे वाइल्ड लाइफ के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप 7 दिन का ये करिए तमाम सारे स्कूलों से, और मैं कहूँगा पत्र लिख करके सारे स्कूलों को भेजिए। क्यों 22 जिलाधिकारी के माध्यम से क्या आपने और भी स्कूलों को बुलाइए, लेकिन 7 दिन के बाद एक क्विज कॉम्पिटिशन करिए। उस क्विज कॉम्पिटिशन में कुछ इनाम देकर के बच्चों को कि लोगों ने कितना सीखा, न केवल इन जो तमाम सारी तस्वीरों में देकर के, इससे वो क्या क्या चीज प्रकृति के बारे में कर सकते हैं। इसको हमारा वाइल्ड लाइफ, आप इसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस क्विज कॉम्पिटिशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि बच्चों को पहले से ही मालूम अगर है कि हम ये देखेंगे और देखने के बाद क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे, और भाग लेने के बाद हमें इनाम मिलेगा, हमारा रिकॉग्निशन होगा, न केवल हमारा रिकॉग्निशन होगा, हमारे स्कूल का भी रिकॉग्निशन होगा। आप इसको अगर अनाउंस करेंगे कि भाई ठीक है, ये फलाई स्कूल है, ये फलाई स्कूल है, फलाई स्कूल के बच्चों को पहला स्थान मिला, फलाई स्कूल को दूसरा स्थान मिला, फलाई स्कूल को तीसरा स्थान मिला, फलाई स्कूल की टीम जीत गई, फलाई स्कूल, तो आपको नेचर रिलेटेड एक क्विज कॉम्पिटिशन आप 7 तारीख के बाद अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। और वो किसी स्कूल में ही करिए, कोई स्कूल से कह सकते हैं, जिस किसी स्कूल को कहेंगे वहाँ पर अपना उसको एक ग्राउंड दे देंगे और वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन हो सकता है। अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं तो उसका एक स्क्रीनिंग कर लीजिए, और स्क्रीनिंग करके एक फाइनल राउंड करिए जिसमें लोगों को एक उत्साह हो, लोगों को इसके बारे में, क्योंकि हमें नेचर से जुड़ना है। हमारी प्रकृति, हमारी जो संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम तो आरण्यक संस्कृति के हैं, हम जमीन से और इस प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जीवन हमेशा से प्रकृति के अनुकूल रहा है। वो तो एक समय आया जब हम प्रकृति से दूर होते चले गए, जिसके नतीजे हमें देखने को मिले। एक एक बार दोबारा फिर से प्रयास हो रहा है कि हम उस जो ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, जहाँ पे हमारा लाइफ, चाहे खाने पीने के बारे में हो, चाहे हमारे रहन सहन के बारे में हो, हमारे जीवन शैली के बारे में, सब कुछ प्रकृति के अनुकूल था, हम दोबारा उसके अनुकूल बन करके जो हमारा एक जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकट हो रहा है उससे हम बच सकते हैं।
तो ये जो वाइल्ड लाइफ जो कि प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में जो संजय ने इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा आप सबको देखने को मिला, बहुतों को प्रेरणा देगा, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके कैमरे की नज़र से इससे भी और खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा लोगों को देखने को मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।